सब्सक्राइब करें बेक विथ रज़िया चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आज मैं आप लोगों को चॉकलेट गनाज बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल होता है और इसे खास तौर पे केक को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इससे आप लोगों को बहुत सी अलग अलग तरीके से केक को सजाना सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दे रही हूँ। चॉकलेट गनाज बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ डार्क चॉकलेट। आप अपने पसंद का कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे व्हाइट चॉकलेट से सजाएं या फिर पाइनएप्पल चॉकलेट से या फिर डार्क चॉकलेट से, दैट्स अप टू यू। साथ ही मैं यहाँ पे सिंगल क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों की क्वांटिटी हमें सेम लेनी है। मैं यहाँ पे 60 ml सिंगल क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पे 60 g डार्क चॉकलेट। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब आप एक पैन लें और अब आप इसमें डालें क्रीम, और अब मैं इस क्रीम को गैस में हल्का सा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही अब आप चॉकलेट को एक बड़े से बॉल में शिफ्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं हमारी दूध में उबाल आनी शुरू हो गई है। जस्ट इसमें बबल्स जब आने लगे तब आप गैस को बंद कर दें। साथ ही अब आप इस गर्म क्रीम को इस चॉकलेट में डाल लें। और अब जस्ट आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दें ताकि हमारी चॉकलेट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद हमारी चॉकलेट हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब आप इसे दूसरी कटोरी में निकाल लें। अब हमारा चॉकलेट गनाज तैयार है। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से केक को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो केक को गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो केक की लेयर पे आप इसे दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे मिरर ग्लेज केक भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे कुछ देर फ्रीज करके केक की आइसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बहुत सी मल्टीपर्पज यूज़ में आता है। सो मेरे आने वाले वीडियोज़ में आप इसके यूजेस देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस रेसिपी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।